शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कल के मैच के बाद बहुत नाम कमा लिया है और इस पूरे आईपीएल सीजन में उन्होंने अपना धमाल मचा के दिखाया है। उन्होंने इस सीजन में 3 शतक जड़े हैं और अभी भी फाइनल बाकी है जहां उनके बल्ले से बिल्कुल रन निकल सकते हैं। लेकिन एक कल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोमेंट हुआ जहां मैच खत्म होने के बाद शुभमन गिल और सचिन तेंदुलकर साथ बैठे थे और दूर से देखने तो ऐसा ही लग रहा था कि दोनों के बीच कुछ इंटेंस डिस्कशन चल रहा है जिसके ऊपर बहुत से मीम्स बने सोशल मीडिया पे। लेकिन क्या डिस्कशन हो रहा था वो तो हमें नहीं पता, पर शुभमन गिल ने बहुत कमाल की पारी खेली है जिसकी वजह से क्वालिफाई 2 में गुजरात ने मुंबई इंडियंस के सामने जीत दर्ज करी है। मैं आपको बता दूं कि गुजरात ने कल मुंबई इंडियंस के सामने 234 रनों का टारगेट रखा था जिसका पीछा मुंबई इंडियंस बिल्कुल भी नहीं कर पाई और ऑल आउट हो गई थी। लेकिन शुभमन गिल की पारी कल काबिले तारीफ थी, उन्होंने 60 गेंदों पे 129 रन बनाए, अपनी पारी में 7 चौके और 10 छक्के लगाए थे और उनकी स्ट्राइक रेट 215 की रही थी। पर सबसे इंटरेस्टिंग मोमेंट तो यही रहा था कि मैच के बाद हमें साथ में देखने को मिले सचिन तेंदुलकर और शुभमन गिल। हम ऐसे ही आपके लिए क्रिकेट से जुड़ी वीडियोस लाते रहेंगे, तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। धन्यवाद।